हमारी एक्सपेक्टेशन है कि रियासी जिला जो है वो बढ़ चढ़ के इस डेमोक्रेसी के महोत्सव में पार्टिसिपेट करेगा। मेरी एक ही अपील है जो मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से पूरे जिला के वासियों को, वोटरों को करता रहा हूं, वो अपील ये है कि आप कल इम्तिहान के दिन घर से बाहर निकलें और वो पोलिंग स्टेशन पे जाएं जो वहां पे आप एज अ वोटर रजिस्टर्ड हैं, वहां पे हमारे पोलिंग पार्टीज आपके स्वागत के लिए, आपके स्वागत के हेतु बैठे हैं। अपनी मर्जी का वोट करें, जिसको देना है वोट करें, पर वोट जरूर करें, देश की तरक्की के हिस्सेदार बने और डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करें। इस तरह की चीजों को कोशिश की है कि जो वोटर आए उसको ये लगना चाहिए कि उसका इस्तकबाल किया गया है, उसका स्वागत किया गया है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आया यार यहाँ पे ये इस तरीके से बात की गई। हमने कोशिश किया कि पोलिंग स्टेशन पे आके जो हमारा वोटर है उसको एक अनुभूति हो खुशी की, उसका जब वेलकम हो या ना उसके लिए डेकोरेट किया गया है पोलिंग स्टेशन को, जब वो उसको देखे तो उसको ये लगे कि हाँ सही में महोत्सव में पार्टिसिपेट करने अपने घर से निकला था, आज का दिन अच्छा है और आगे भी दिन अच्छे रहेंगे। सभी नियम है, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस इशू की है, हमारी उनसे विनती रहेगी कि वो गाइडलाइंस पढ़ के आए। 144 का ऑर्डर हमने कल इशू किया है जिसमें कुछ चीजें पोलिंग स्टेशन के अंदर की, कुछ चीजें पोलिंग स्टेशन के बाहर की कवर्ड है। हर व्यक्ति नियम पालन करे तो उससे वोटिंग में भी बढ़ोतरी होगी और नियम अनुसार हर चीज होने से आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलता। सुबह 7 बजे शुरू होगी और 6 बजे शाम को खत्म होगी, लेकिन इसमें एक इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं कि अगर 6 बजे वोटिंग प्रिमाइसेस, जो आपका पोलिंग स्टेशन का प्रिमाइसेस है, उसमें अगर कोई व्यक्ति लाइन में 6 बजे से पहले लग चुका है तो उसको वोटिंग करना परमिट होती है। उसमें जो भी जरूरी निर्देश हैं वो पोलिंग पार्टीज को दिए जा चुके हैं, अदरवाइज 6 बजे वोटिंग शैल एंड एट द पोलिंग स्टेशन। व्यक्ति पिछली क्लास से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देना चाहता है अगली क्लास में, तो मैं तो चाहूंगा कि 2019 से बेहतर हम करें और हमारी परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा था जब हमने हाईएस्ट ब्रिज पे किया था, एक बेंचमार्क क्रिएट करे पूरे देश के लिए, यूटी के लिए तो करे ही करे, पूरे देश के लिए पोलिंग परसेंटेज को लेकर। पोलिंग स्टेशंस एक प्रोसेस था जिसमें कुछ शायद कुछ म्यूनसिपैलिटी नॉर्म्स, कुछ एरिया नॉर्म्स, कुछ वोटर नॉर्म्स को लेके कुछ चीजें की गई थी। अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ लगता है तो उसको जरूर देखा जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कल तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 100 कदम या 100 मीटर या 200 मीटर चलना पड़े तो अच्छी सेहत के साथ अच्छी पोलिंग करना और भी अच्छी बात। नहीं है तो 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका पैन कार्ड है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके अलावा कुछ और जो डिटेल्स दी हुई हैं इलेक्शन कमीशन ने, आप वो कैरी करें, दे विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग। लेकिन कोशिश करें, क्योंकि एपिक ऑलमोस्ट सबको दिया गया है, तो एपिक लेके जाएं, नहीं है तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट जिनके बारे में डिटेल्स जो है आप हमारे इलेक्शन विंग से भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोशल मीडिया में दोबारा से एक बारी जाएंगे, पहले भी हमने वो सब लोगों को उसको सचेत कराया था।